हमारे रामेश्वर महादेव के मंदिर, ये की हमने दर्शन कर लिए, अब ऐसे जाओ मम्मी। टीवी पे हमने लगाया है शादी का ब्लॉग। यहाँ पे हमारी मासी तो हर्षित बना से बात कर रही है। श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव रीसा। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल माँ शिवरात्रि थी तो घर में था सबके फास्ट, तो सुबह सुबह तो खाना बनाना नहीं था, लेकिन आज तो 14 है तो किसी के भी फास्ट नहीं है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में खाना वगैरह बना दिया और यहाँ पे बर्तन निकाल दिए धोने के लिए। तो बस अब मैं फटाफट से पहले बर्तन क्लीन कर देती हूँ। कुकिंग का काम हमारे हो चुका है और आगे जो कुछ भी होगा वो फिर शेयर करूँगी। पहले बर्तन क्लीन करते हैं, तो आप लोग भी बने रहना आज के ब्लॉग में। तो बर्तन धो धुपा कर मैं आ चुकी हूँ टेरिस पर, क्योंकि यहाँ पे मेरे कपड़े सुखाना बाकी है। तो मैंने सोचा भोजन बाद में करेंगे, पहले कपड़े सुखा कर आ जाते हैं। और तब तक जो हमारे भारती बहन आए हुए हैं और किचन में ही वो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो उनका भी वर्क वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और आज तो मैंने मशीन भी एक बार ही लगाई है, तो ये बस एक बार के कपड़े मुझे यहाँ पे सूखने डालने, तो कपड़े मैंने सारे सूखने डाल दिए। हमारे भारती बहन चले अपना सारा काम करके। जावाना भारती बहन, जमी ले नहीं जमवाना? काले तमे गई ना मंदिर क्या? मैं गई ताज ता तो बहुत गर्दी होती ना काले, एटले कहीं नहीं होती गर्दी है नी, बहुत भीड़ होती कल तो मैं गई तब। चलो जमवाना हो तो जमी लो, नहीं जमवाना। जय श्री कृष्णा। तो भारती बहन को बोला था खाना खाने का, तो उन्होंने तो मना कर दिया, तो हम लोग जिम लेते हैं तो भूख लगी। तो ये है आज का हमारा लंच। अभी बज रहे शाम के 4 और हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर। तो हम लोग अभी मंदिर क्यों जा रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि कल थी शिवरात्रि। तो यहाँ पे माँ शिवरात्रि के दिन घी से कमल बनाया जाता है, घी से ही शिव जी पार्वती जी की प्रतिमा भी बनाई जाती है। तो बस हम उनके ही दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो सुबह से वैसे सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे आज, लेकिन हम लोग सुबह नहीं गए तो अब चले जाते हैं। तो चाय पीनी है मेरे, लेकिन वो मैं मंदिर से आकर वापस फिर पीऊँगी। तो अभी तो फटाफट से मंदिर जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग पहुंच गए मंदिर, हमारे रामेश्वर महादेव के मंदिर। ये किसु किसु कल नहीं आई मंदिर, अम्मा के साथ आज आना पड़ा है। ये भगवान, कल मम्मी इसी मंदिर में आए थे पूजा करने के लिए। लाई किसु ला दे, तू भी चढ़ाना। तो ये पूरा फूल घी से बनाया हुआ है। और ये देखिए, तो इनके हम दर्शन करने आए थे, पूरा घी है ये पूरा। बहुत ही शानदार डेकोरेशन किया हुआ है।
और पीछे पार्वती माता। माता जी का ऊपर होता है मतलब बैठने का ये मंदिर, और यहाँ पे नीचे रामेश्वर महादेव जी। और ये कुबेर भंडारी भी की है। रामेश्वर दादा के तो दर्शन कर लिए, अब हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं। वहाँ पे वो हनुमान जी का मंदिर है। तो मंदिर में एक कुआ भी है यहाँ पे। तो कुएं में से जल लेकर फिर सब शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बहुत मस्त रंगोली भी बनाई हुई है। हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, अब ऐसे जाओ मम्मी शनिदेव रे। आज शनिवार है नहीं, शनिदेव रे जाता जाओ। शनिदेव वटे लिंग बनाए हीरो कमल। तो हम लोग शनिदेव मंदिर पहुंच गए, और यहाँ पे नीलकंठ महादेव भी है, और ये खाड़ी। ये नीलकंठ महादेव। ये भी पूरा घी का है, मस्त है ना। नीलकंठ महादेव के भी दर्शन कर लिए, अब परिक्रमा कर लेते हैं। अभी कुआ है, हमने दर्शन कर लिए, अच्छे से हुए ना दर्शन। हाँ, अब कहाँ जाएंगे घर, क्योंकि किसु के ट्यूशन का टाइम हो रहा है। पर भी आ गए, और यहाँ पे मैं चाय भी पीने लग गई, आधी तो मैंने पी ली। और यहाँ पे मासी पालक काट रही है, काट लिया क्योंकि मासी बनाएगी दाल पालक। तो फिलहाल दिन यहाँ पे हो चुका है अस्त, और मैं करूँगी खुद को अब इन कपड़ों को फोल्ड करने में व्यस्त। तो ये इतने सारे कपड़े, बस लग जाती हूँ इनके वर्क पर। तो खाना हमने खा लिया, जस्ट अभी मैंने खाना खाया। मैं मासी कैसी लगी दाल और रोटी? मस्त लगी, पापड़ के साथ मजा आ गया। मतलब पांच पकवान भी मुझे तो फीके लगते हैं, पालक वाली दाल और रोटी इतना मस्त मजा आता है, चूर के खाओ। तो मासी गैस की ये पट्टी क्लीन करेगी, और मैंने यहाँ पे बर्तन निकाल लिए तो मैं ये क्लीन कर देती हूँ। ये मटका है ना, इसमें से आज भी किसी ने पानी नहीं पिया, नहीं पिया। तो अब इसमें से कब पिएंगे पानी? कल से स्टार्ट। दो दिन ऐसे भर के रखा तो वो थोड़ी इसमें जो अलग से मिट्टी की जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी। तो पसंद है ये मिट्टी की स्मेल वाला, ये पानी पीना ना। तो ये मटका हमारे कल जहाँ पे था वही पे है आज भी। अब इसको कल परसों शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ टीवी पे हमने लगाया है शादी का ब्लॉग। ये मेरे नानी ससुराल की शादी है, प्रशांत की शादी हुई थी तब का। और यहाँ पे मम्मी देख रही है, इसे मम्मी देखना अच्छा लगता है ना टीवी में, मस्त लगा। तो ना जब भी याद आती है ना तो टीवी में ब्लॉग लगा लेते हैं ना मम्मी। मैं भी अब टीवी में ब्लॉग देखूंगी, और साथ में ले लिया मैंने एक संतरा। और यहाँ पे हमारी मासी तो हर्षित बना से बात कर रही है,
तो इसी के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।